हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनोद और हमेशा की तरह आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस ऐप की मदद से यदि आप लोग एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड परचेज कर सके, तो आप लोग इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा एक चैनल है एजुकेशन का, श्री स्टडी पॉइंट के नाम से, उस पर मैं इसी से वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। तो ये बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह है मोबाइल में। इसमें आप अपना फेस भी दिखा सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर फटाफट इस ऐप को देख लेते हैं कैसा है ये ऐप। आप लोग को यदि यह ऐप पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि इंस्टॉल करना सभी लोग जानते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपको जाकर सर्च करना है ऑन बोर्ड रिकॉर्ड। सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो फटाफट मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ से, तो देख रहे हैं ये ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस देगा कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, तो हम लोग लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब देख सकते हैं आप लोग, ये बोर्ड आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या क्या फीचर हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको फीचर है ये रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये कैमरा का हम लोग चेक कर लेते हैं कैमरा का। तो कैमरा पर क्लिक करने के बाद ये कैमरा यहाँ से ऑन हो जाएगा, कैमरा यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो आप लोग कैमरे को भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर यदि आप लोग चाहें बैक कैमरा ऑन करने के लिए तो बैक कैमरा यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं बैक कैमरा। तो इस तरह से आप लोग कैमरे का यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं कैमरे को। तो हम लोग फिलहाल कैमरे को ऑफ कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको देगा यहाँ पर हाइलाइटर का ऑप्शन है, तो हाइलाइटर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट जितना भी एरिया करना है हाईलाइट। जैसे मान के चलिए यहाँ से हम लोग कुछ लिख लिए, ये पेंसिल का टूल है, इस पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कुछ ये लिख लिए। अब इसे हमें हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हाईलाइट कर देंगे इस तरह। तो हाईलाइटर आप लोग देख चुके हैं किस तरह उपयोग होता है। उसके बाद इरेजर दिया है मिटाने के लिए, तो आप लोग यहाँ से इरेजर के ऊपर क्लिक करेंगे और जितना एरिया आपको मिटाना है इरेज कर देंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक मिट जाएगा एरिया उतना। तो ये बहुत अच्छा फीचर है आप लोगों के लिए यदि आप लोग एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कुछ टाइपिंग करना है इस पर, तो यहाँ पर लिख कर और यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ जो भी लिखना है टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसे जहाँ भी रखना है लाकर इस तरह रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर लाकर रख देंगे। और यहाँ पर दिया है अलाइन करने के लिए, आप लोग राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं या लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आप लोग चाहते हैं शेप कोई डालना है, जैसे त्रिभुज हमें यहाँ पर बनाना है, तो त्रिभुज के ऊपर शेप के ऊपर जाएंगे, त्रिभुज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस तरह के चाहें उस तरह का त्रिभुज यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें शेप हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इसमें बना बनाया शेप है। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट पेज कैसे ऐड करना है। तो सेकेंड पेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये हमारा बन गया, फिर एक नेक्स्ट पेज बना रहे हैं, फिर इस पर कुछ हम लोग बना लेते हैं। जैसे स्क्वायर यहाँ पर हम लोग बना दिए, स्क्वायर बन गया। अब हमें शुरू से पढ़ाना है कि पहले स्क्रीन पर हम लोग क्या लिखे थे, तो इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री लिखा है और यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर बोर्ड पर सेलेक्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पर आ जाएगा। इस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं बोर्ड को। अब यहाँ पर हमें मान के चलिए बाद में हमें पढ़ाना है, सेव करना है इसे, तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पीडीएफ में चाहिए या जेपीजी में चाहिए ये पूछ रहा है।
तो हम लोग जेपीजी में सेलेक्ट करेंगे और ऑल पेज सेलेक्ट करेंगे तो सभी पेज सेव हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ये सेव हो चुका है सभी पेज। अब इसे सेव किए हैं, इसे ओपन करना है तो किस तरह ओपन करेंगे, ये फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हम लोग सेव किए हैं इसे, जहाँ पर भी हमारा फाइल होगा सेव का, वहाँ से हम लोग इसे फिर से इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे ये मान के चलिए हम लोग पहले का सेव किए हैं, इसे ओपन कर लेंगे। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।